हेलो एवरीवन, दिस इज़ हरिंदर साहू फ्रॉम किंग रिसर्च। आप लोगों का स्वागत है आज के एपिसोड में, जिसका एपिसोड नंबर 10, डेट 18 मार्च, यानी कल की चर्चा करेंगे। आज डिसाइड करेंगे, आज स्टॉक सिलेक्शन करेंगे कि कल निफ्टी में, बैंक निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो डिस्कस करेंगे, और कौन से ऐसे 4-5 स्टॉक्स पर नज़र रखेंगे कल के लिए जो आपके लिए पावरफुल होगा, जिसमें आपको हेल्प मिल सके इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। ठीक है गाइस, तो चलिए सबसे पहले मैं रिकैप कर लेता हूँ जो आज मैंने कॉल्स दिए थे, जो कल मैंने आपको बताया था कि आज क्या क्या होने वाला है, किस तरह से उसका परफॉर्मेंस जान लेते हैं। टुडेज इंट्राडे परफॉर्मेंस, निफ्टी क्लोज बिलो 8927 बोला था सेल, आज जाके लास्ट में जाके 5-10 मिनट पहले इसने इसको टच किया है लेवल को, तो ये इग्नोर हो गया इंट्राडे के लिए। बैंक निफ्टी का कॉल दिया था, क्लियर कट मॉर्निंग में ही बोल दिया गया था, कल ही बोल दिया गया था 22630 के नीचे ओनली सेल, और आप देखो 2:03, 2:05 के बाद ये लेवल हमारा एक्टिवेट हुआ, वहां से मेड 21842, यानी कि 790 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में है। कोई मार्केट के अंदर आप बताओ, कोई है मार्केट के अंदर आप बताओ? जितने लोग भी एडवांस में प्रेडिक्शन करते हैं उनके लेवल चेक कर लेना, 2, 4, 10, 15, 20, 50, 100 पॉइंट, और यहां पे 770 पॉइंट डाउन बैंक निफ्टी। या सन टीवी स्टॉक सिलेक्शन में दिया था 4, सन टीवी 356 से 335 मेड अलो, 21 पॉइंट्स डाउन हमारे लेवल से। टोरेंट फार्मा 1953 से 2025, यस 70 पॉइंट्स इन टोरेंट फार्मा, 75 पॉइंट्स अप टोरेंट फार्मा। गाइस दिस इज पावरफुल, गिरते हुए मार्केट में टोरेंट फार्मा ने हमें चमकाया। कैसे हम करते हैं, बाई भी देते हैं सेल भी देते हैं, और दोनों मार्केट कहीं भी जाए हमारे लेवल्स बैक टू बैक काम कर रहे हैं। हीरो मोटो 1800 दोस्तों, खुलते ही साथ एक्टिव हुआ था, और आपको थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाना था। एनीवे एसएल हिट मींस एसएल हिट, 1.5 से 2% का हमारा एसएल होता है, बात खत्म, पोजिशन हिट एंड स्टॉप लॉस हिट, बुक योर लॉस। ACC 1151 टू 1162, 1% की चाल इसमें भी दी हम लोगों ने ACC के अंदर। रिजल्ट आपके सामने गाइस, अगर विश्वास नहीं है मेरा वीडियो जो मैंने एक दिन पहले डाला था वो जाकर चेक कर लेना, एपिसोड नंबर 9, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए कल की बात कर लेता हूं मैं फटाफट। ये गैन थ्योरी का चार्ट है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये गनर है और एग्जैक्ट हमारे पिन पॉइंट लेवल पे आ गया है। निफ्टी बिलो कल का ही लेवल दूंगा 8970, यस प्रॉब्लम फॉर ओनली 2 to 3 days, 8970 के नीचे प्रॉब्लम देगा 2 से 3 दिन के लिए मोर, इफ टुडे अगेन स्टे बिलो 8920। अगर कल जो मार्केट खुलेगी और 8920 के नीचे स्टे कर जाता है दोबारा से, जैसे आज ऑलमोस्ट इसके आसपास क्लोज हुआ है, तो गाइस थोड़ा सा और दिक्कत होगा, इसको हम ठोकेंगे 8920 के नीचे। 8970 का हमारा टारगेट रहेगा, सॉरी 8970 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, क्लियर। और अपसाइड हडल जो होगा 9230 के ऊपर ही हम लोग नो बकवासबाजी ओनली बाइंग, 9230 के ऊपर बाई करेंगे, 9370 9430 तक का लेवल है। ये हो गया निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी के लेवल्स मैं आपको बता दूं, यस बैंक निफ्टी फ्यूचर, मार्क माय वर्ड, इफ टुडे पैनिक कम बिलो 21256 ओनली, राइट, बिलो 21256 ओनली पैनिक विल कम फॉर टुमारो, यानी कि आज दे रहे हैं कल की बात कर रहे हैं, कल ऐसा होगा। अवर मंत्रा, मार्क माई वर्ड, एनी पैनिक और कम बिलो 20,000 और नियर बाई सम 20,000 के लेवल के आसपास आए बैंक निफ्टी, आपको सिर्फ और सिर्फ बाई करने का सोचना है। माई रेलवे ट्रैक स्ट्रैटेजी सेइंग इन नेक्स्ट 72 आवर्स शार्प यू टर्न विल कम फ्रॉम परफेक्ट लेवल, ध्यान रखना 20,000 के लेवल को, क्या किंग रिसर्च ने बोला था या नहीं बोला था, कैसे बोला था, सब देखिएगा। अब मैं स्टॉक्स की बात करूंगा, DLF ओपनिंग बेल पे ही 145 के नीचे ओनली पैनिक ऑन कार्ड, गो शॉर्ट विल स्लाइड अप टू 127-123 का लेवल, और उसके बाद और पैनिक दिखेगा। इंडिको, यस इंडिको में थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो रहा है, शोइंग 1007, यस जेम्स बॉन्ड, ये कल मार्केट जेम्स बॉन्ड की तरह काम कर सकता है। इंडिगो शोइंग 1007 एक्ट एज अ हर्डल, यस बिग यू टर्न ऑन कार्ड, लेट्स सी अबव
1007 के ऊपर अगर जाता है तो जेम्स बॉन्ड की तरह एक्टिव करेगा, और आपको पता है जेम्स बॉन्ड मार्केट में क्या है, नो सेल प्लीज विल फ्लाई अप टू 1045 1060। सेल टाटा मोटर्स ओपनिंग बेल बिलो 80 मोर पैनिक। कल भी बोला था मैंने बिलो 90 के नीचे पैनिक है, आज भी बोल रहा हूं अब मैं बिलो 80 के नीचे मोर प्रॉब्लम ऑन टाटा मोटर का टाटा मोटर्स, पैनिक स्लाइड अप टू 67-62 का लेवल भी आ सकता है, दूर रहना टाटा मोटर से। आरबीएल बैंक, यस उल्टी गिनती, उल्टी इन द सेंस अब इसके अच्छे दिन हो सकते हैं, कल इंट्राडे के लिए हो जाए। बैंक आरबीएल बैंक को अबव 176 इट विल बी रॉकेट अप, यस डोंट शॉर्ट आरबीएल बैंक। वंस आवर लक्ष्मण रेखा क्रॉस then nobody can stop this rally up to 190-215 intraday levels दे रहा हूँ। 176 के ऊपर 190-215 का लेवल आ सकता है। अब मेरा ONGC next stock selection है, ONGC opening bell your all sell position below 60 big panic on card, my target 25-15 पाव भाजी का रेट में आप ले लेना ONGC को, my target 25 and 15। And in 2021, my target is 5 rupees. बड़े levels भी आपको दे दिए। ACC लक्ष्मण रेखा 1167. Yes, buy only once cross this level. I love ACC. मेरा घर का मजबूत सीमेंट है। मजबूती का नाम ACC के संग, मजबूती का नाम King Research के साथ, मजबूती का घर ACC के संग। ध्यान रही है ये लेवल्स है, तो मैंने आपको टोटल एक एसीसी का, ओएनजीसी, आरबीएल, टाटा मोटर्स, इंडिगो, डीएलएफ, ये पांच ऐसे स्टॉक सिलेक्शन दिए। इस पे नजर रखिए, कॉपी में नोट कर लिए, कल इस लेवल पे आप आएगा आप अपने हिसाब से देख सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, मैं इस सेशन को ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आए वायरल कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबा लो, और कमेंट सेक्शन में लिखिए कैसा लगा, आपको हेल्प हो रही है तो लिखिए उसमें। थैंक यू सो मच गाइस, हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।